होगी भाई, जरूर होगी। आपके भी नींबू के पौधे में से ऐसे ही नींबुओं की बरसात होगी। गेट माई हार्वेस्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानिए नींबू उगाने के बारे में 5 टिप्स। फरवरी के महीने में करनी है पौधे की छटाई यानी प्रूनिंग। जो भी पुरानी या मरी हुई टहनियां हैं वो काट देनी है। और टिप नंबर 2 ये है कि अगर आप नींबू को गमले में उगा रहे हैं तो हर 2 महीने में कोई ऑर्गेनिक खाद जरूर दीजिए और साल में 2 बार बोन मील या रॉक फॉस्फेट डालिए। टिप नंबर 3 ये है कि इस पेड़ पर लग रहे नींबू की मदद से हम बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक जैम बनाते हैं घर पर। उसकी रेसिपी का लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आपको वो रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अगले बुधवार वाले वीडियो में शाउट आउट दूं, तो उसके लिए सवाल ये है कि नींबू एक वाइटामिन से भरा रहता है, उस वाइटामिन का नाम क्या है? नीचे कमेंट्स में जवाब दीजिए अपने नाम और शहर के साथ। टिप नंबर 4 ये है कि नींबू के पौधे को थोड़ा हाइट पे लगाना है, एक पहाड़ी बनाएं और फिर उस पर पौधा लगाएं, क्योंकि नींबू के पौधे के आसपास कभी भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 5 ये है कि ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये 5 साल पुराना पौधा है। इसे की लाइम वैरायटी का नींबू कहा जाता है। इसका छिलका पतला रहता है, अंदर रस बहुत ज़्यादा होता है और इतने नींबू इस्तेमाल करने के बाद भी पूरा पेड़ नींबू से इस वक्त भी भरा हुआ है। पिछले हफ्ते वाला 2 मिनट वीडियो था हल्दी के बारे में और उस वीडियो में जो सवाल पूछा था उसका जवाब है मैंगो यानी आम। और शाउट आउट्स देना चाहती हूँ मैं कुछ नामों को, आयुषी नागर राजस्थान से, मुंताहा बांग्लादेश से, रिंकू बिहार से और शुभम झारखंड से। बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप नींबू उगाने के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। और अगले हफ्ते के लिए एक सवाल भी इसी डिटेल्ड वीडियो में से है। सवाल ये है कि मैंने कुछ ऐसे फूलों के नाम बताए थे जिन्हें उगाने से नींबू पर आ रहे फूलों की पॉलिनेशन अच्छी तरह हो पाती है और ज़्यादा मात्रा में नींबू आते हैं। उन फूलों में से किसी भी एक फूल का नाम लिखिए, आपको ऊपर आ रहे लिंक में से उत्तर मिल जाएगा अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे। और याद रखिए कि खुद को ऐसे लोगों के साथ घेरिए जिनकी आंखें आपको देखकर चमक उठती हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपको मिलने वाली हूँ अगले बुधवार फिर से ऐसे ही एक वीडियो के साथ।